पिछले लेक्चर में हमने मनी सप्लाई के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई को रेगुलेट कैसे करते हैं, सेंट्रल बैंक का इसमें क्या क्या रोल होता है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। एक बार बेसिक्स हम क्लियर करने के बाद हम एडवांस इकोनॉमिक्स में लगभग 300 टर्म्स देखेंगे। तो एक बार मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं 10-12 लेक्चर्स के अंदर आपका बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाए, तो आपको आगे जो एडवांस टर्म्स हैं उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन कैसे कैसे होता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि थ्री एजेंसीज हैं, देयर आर थ्री एजेंसीज हु डील्स विद द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इन द सेंस कि दे क्रिएट द मनी। जैसे हमने पढ़ा था एक आरबीआई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आरबीआई प्रिंट करता है, ओके, नो इशू इन इट। उसके बाद है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी हमने देखा था जैसे कॉइन्स वगैरह हैं। तीसरा है इसमें कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कमर्शियल बैंक कैसे करता है। ये जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस से ये करता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन और से मल्टीप्लाई। नाउ ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, अब देखो दादाजी ने हमें क्या सिखाया है कि भैया देखो पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, अगर पैसा है तो सब कुछ है। तो अगर मैं आपको ये कंसीडर करूं कि ये मेरा इकोनॉमी है, ठीक है, और यहाँ से पैसा आ रहा है, अगर मैं इसका फ्लो बढ़ा दूं तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी। ठीक है, एक पॉइंट तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारा पैसा हो जाएगा। और मैंने तो बताया था कि जब दादाजी के पास पैसा आता है तो वो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, तो वो जाएंगे और 10 रुपये की चीज़ क्या करेंगे, 100 में खरीदेंगे, तो इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद उसका रेगुलेशन क्या होगा, करना पड़ेगा हमें, लेकिन एक लिमिट तक तो हमें पैसा चाहिए। तो एक लिमिट तक जो पैसा है ना क्रेडिट क्रिएशन में, उनमें कमर्शियल बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो हम देखेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ना दो अजम्पशन है, दो अजम्पशन क्या है बेसिकली, दो क्या, एक ही अजम्पशन है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये बैंक है, यहाँ पे ये क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो इकोनॉमी के अंदर जो भी पैसा आ रहा है ना वो बैंक के पास आ रहा है, और ये बैंक क्या कर रहा है, बैंक वापस दे रहा है लैंडिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन। एंड मेन अजम्पशन क्या है, मेन अजम्पशन ये है कि जो भी ये पैसा लेके जा रहा है ना वो वापस से कहीं ना कहीं से घूम घाम के इसी बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है। ठीक है, और इस बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है और ये फिर वापस से क्या कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है ना, डिपोजिशन, ठीक है, और वापस से लैंडिंग, ये कंटिन्यूअसली चलती है, कंटिन्यूअसली इट गोज ऑन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रेडिट क्रिएट होता है जो कि हमारी मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, हम देखेंगे कैसे। ठीक है, उससे पहले एक कंसेप्ट होता है कैश रिजर्व रेशियो का। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में कुछ नहीं है कि आपका, देखो जो आपका माई बाप है जो कि सेंट्रल बैंक आरबीआई होता है, वो आरबीआई बोलेगा कि भैया आपको जो है, आपके पास अगर 1000 डिपॉजिट आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि आप 1000 के 1000 लैंड कर दो, आपको कुछ परसेंटेज जो है अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो उस रेशियो को जो है ना कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ओके, तो सपोज करो हमने फिक्स कर लिया 10%। इस चीज़ को अच्छे से समझना कि क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे, 10%। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये SBI है, ठीक है, यहाँ पे दादाजी लेके आए 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये इन्होंने डिपॉजिट करवाए, 1000 में से फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप 1000 का 10% क्या करेगा, ये CRR है, ठीक है, ये 100 रुपये यहाँ पर ले लेगा, इसके पास बचे कितने लैंडिंग के लिए, 900, ठीक है, 900 बचे। अब ये 900 हमने क्या, हमारी अजम्पशन क्या थी कि जो भी पैसा होगा वो लैंड करके वापस कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। सपोज करो ये 900 आया, ठीक है, अगेन ये सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसका 10% ले लेगा, ये 90 हो गया, और ये कितना हो गया, 810 हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब देखो मेरे पास इनिशियली कितना था, 1000 था, ठीक है, इनिशियली 1000 था, इकोनॉमी के अंदर 1000 था, प्लस मैंने 900 का क्रेडिट और क्रिएट कर दिया,
ठीक है। उसके बाद मैंने एट वन टेन का क्रेडिट और क्रिएट कर दिया। तो इस प्रोसेस से मैं क्या करूँगा, क्रेडिट क्रिएट करता जाऊँगा, क्रिएट करता जाऊँगा। क्लियर है? तो इससे क्या हो रहा है, मेरा मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो? मनी सप्लाई बेसिकली क्या हो रहा है कि बैंक के पास 1,000 रुपये दादाजी लेके आए थे, आज उनको जरूरत नहीं थी, बैंक ने 10% अपना रखा, बाकी का जो 900 था किसी और को दे दिया। नौ 1,000 रुपये दादाजी ने ऑलरेडी होल्ड कर रखे थे, 900 और क्रिएट कर दिए उसने, क्रेडिट क्रिएट किया। देखो, दिस क्रेडिट क्रिएशन इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर है 1,000 ही रुपए, लेकिन वो क्रेडिट की फॉर्म में क्रिएट कर रहा है, वो और प्रिंट करके नहीं दे रहा उसको। ये चीज ध्यान में रखना, इट्स नॉट इक्वल टू एक्चुअल प्रिंटिंग ऑफ दी, इट्स नॉट इक्वल टू एक्चुअल प्रिंटिंग ऑफ दी मनी, प्रिंटिंग ऑफ मनी। यहां पे कंफ्यूजन होता है, इस चीज को अवॉइड करना है। ठीक है, अब बात आती है कि कितना क्रिएट होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ा था ना, दादा ने कहा था यूपीएससी करना है तो ऊपर ऊपर से करो, डेप्थ में जाओगे तो खो जाओगे, समुंदर बहुत गहरा है। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/CRR। ठीक है, CRR क्या है यहाँ पे, कैश रिजर्व रेशियो है। तो ये मैं 10% लूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 10 टाइम्स आ जाएगा। बेसिकली जो आपका डिपॉजिट है उसका 10 टाइम्स तक आप जो है क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि आपका CRR जो है 10% है। क्लियर हो? तो यहां पे दादाजी 1,000 रुपये लेके आए थे, 1,000 रुपये लेके आए थे, 10% CR था, तो ये कितना हो गया, 10,000। तो मैं 10,000 तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकता हूं कि आई कैन गिव द एबिलिटी टू द पीपल टू बाय परचेज स्पेंड अप टू द लेवल ऑफ 10,000 ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1,000 रुपीज विच कमर्शियल बैंक रिसीव्ड एज डिपॉजिट्स। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? एक बार देख लेते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन इज अ साइक्लिकल अप्रोच वेयर बाय द बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड लेंड्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपेंड मनी सप्लाई इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, विद देयर डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, थ्रू लोन्स एंड एडवांसेस, वो सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, ये एक प्रोसेस करके यहाँ पे दिखाया है, ये आप देख लेना। ये एक एग्जाम्पल था, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, डिमांड डिपॉजिट्स, यहाँ पे 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पे कैश रिजर्व कितना लेके आया था, डिपॉजिट्स बेसिकली वो 1,000 था, 10% के हिसाब से 10,000 इसने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर का मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दे दिया है कि अगर आपको बोले कि सपोज करो कि CRR जो है 10% दे दिया है। ठीक है, और आपको बोले कि इसका क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल के बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 20% दे दिया, तो 1/20% करोगे तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा। 5 टाइम्स किसका होगा, जो भी आपका डिपॉजिट लेके आएंगे ना उसका 5 टाइम्स क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे 1,000 है तो उसका 5 टाइम्स 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू CRR। ठीक है, इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू CRR। और ये तो जाहिर सी बात है ना, अगर मेरे को कोई बोले कि भाई 100 में से 20 रुपए तू लैंड नहीं कर सकता, सिर्फ 80 करेगा, तो मेरी लिमिट जो है वो कम हो जाएगी ना, तो CRR बढ़ गया। अगर उसी चीज़ को मैं बोलूँ कि ठीक है यार, एक काम कर, तू और मैं दोस्त हैं, तो 10 ही रुपए रख ले, 90 लैंड कर दे, तो मेरी एबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये मतलब होता है क्रेडिट क्रिएशन का। इसलिए मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। क्लियर है? अब बात करते हैं डिपॉजिट्स के। ठीक है, डिपॉजिट्स क्या होते हैं, हम मेनली डिमांड डिपॉजिट्स में डील करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स कुछ नहीं होता है, जिसमें भी कोई डिमांड कर रहा है किसी से भी, तो वो एक डिमांड डिपॉजिट हो गया। सपोज करो यहाँ पे दादाजी हैं, ठीक है, SBI के पास गए 1,000 रुपये लेके, ठीक है, डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, अब दादाजी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे इससे, आई एम क्रिएटिंग अ डिमांड ना, तो एक डिमांड डिपॉजिट हो गया। सेम चीज़ क्या करेगा SBI, किसी और को लैंड करेगा, सपोज XYZ। ठीक है, तो ये SBI डिमांड करेगा यहाँ से,
तो इट इज ऑल्सो डिमांड डिपॉजिट। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स में क्लासिफाई कर दिया है। प्राइमरी डिपॉजिट्स वो है विच शोज द एक्चुअल डिपोजिशन फ्रॉम द डिपोजिटर साइड, मतलब कस्टमर बैंक के साथ जो रख रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट्स, और बैंक जो लैंड कर रहा है उसको बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो बेसिकली जो डिपोजिटर का पैसा है दैट इज योर प्राइमरी, ओके, और जो बैंक का पैसा है जो लैंड कर रहा है, लैंडिंग वाला जो मनी है, दैट इज योर सेकेंडरी। इनको सेकेंडरी डिपॉजिट्स को वी ऑल्सो कॉल एज डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी से डिराइव हो रहे हैं। क्लियर है, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दी है। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स बाय द पीपल। क्लियर है। उसके बाद में है सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या है, विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द बैंक्स टू द पीपल। ठीक है, क्लियर है। और इनको डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स की बात होगी तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी जो है दोनों को काउंट करेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज द सेकेंडरी डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ना एक गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले बना SBI, ठीक है। अब SBI में क्या हुआ, एक गांव का लड़का आके बन गया मैनेजर, ओके ना। इसका एक दोस्त था श्यामलाल, एकदम बेस्ट फ्रेंड, चड्डी बड़ी सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। अब श्यामलाल ने इसको क्या बोला मैनेजर को कि देख भाई तू मेरा दोस्त है, तू बैंक में लग गया है यार, नाउ यू हैव द एम्प्लॉयमेंट, आई डोंट हैव द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एक काम कर, तू मेरे को कुछ लोन अपने बैंक की तरफ से दे दे, ठीक है। इसने इसको क्या दे दिया, लोन। लेकिन गड़बड़ क्या हुई यहाँ पे कि इसने इससे कुछ भी नहीं लिया डॉक्यूमेंट्स, फर्जी लोन दे दिया, ठीक है। नाउ श्यामलाल ने एक और स्कीम दी मैनेजर को कि यार एक काम कर, मेरे को ना 5 करोड़ का लोन और दे दे, और भाई मैं एक काम करूँगा, आई विल गिव यू 10% ऑफ इट, ठीक है। इसने और गलत काम कर दिया, और लोन दे दिया, ठीक है। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, इसने पैसा पूरा अपना अय्याशी में उड़ा दिया, ठीक है। दोनों ने मिलके मौज मस्ती कर ली। अब बात आई कि पैसा रिटर्न नहीं हुआ, नो रिटर्न, और बैंक घाटे में चला गया। ये वाली जो चीज़ थी, ठीक है, ये कौन देखेगा, हु विल लुक अबाउट इट। तो दादाजी ने कहा कि यार ये तो गलत बात है, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। अब दादाजी बैठे हैं एडवाइजरी कमेटी में, दादाजी ने कहा कि देखो वी नीड आर रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं आपके, SBI है, ICICI है, HDFC है, इनके ऊपर एक हमको इनका फादर बिठाना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो कि इन सब को रेगुलेट करेगा, ठीक है, इन सब को लिमिट के अंदर रखेगा। और इसको उन्होंने नाम दे दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 वाले एक्ट के में इस्टेब्लिश किया था, देख लेना, थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लेना, ठीक है। अब बात आती है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होंगे। तो एक तो फंक्शन यही हो गया, रेगुलेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब क्या हुआ, एक दिन बराक ओबामा जी इंडिया आ गए और उन्होंने कहा कि देखो देखो भाई, हम तो बहुत डेवलप हो चुके हैं एंड वी वांट टू हेल्प यू, अब हमें पैसा देना है, लेकिन हमसे डील कौन करेगा, फॉरेन एक्सचेंजेस जो आ रहे हैं ट्रेड में उनसे डील कौन करेगा। SBI बोलेगा मैं करूँगा, HDFC बोलेगा मैं करूँगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं, फॉरेक्स रेगुलेशन, ठीक है, उसमें भी क्या करता है, सेंट्रल बैंक डील करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया दादाजी, तो अनाप शनाप खर्च करने लगे, मनी सप्लाई बहुत बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ गया तो प्राइसेस बढ़ गए। जैसे मैंने बताया था कि 10 रुपये की चीज़, अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं तो मैं एक चीज़ 10 रुपये में खरीद रहा हूँ, इफ़ आई विल हैव 1 लाख तो सेम चीज़ मैं 100 रुपये में खरीदूंगा,
तो यार उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, देर शुड बी आर रेगुलेटेड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इन मार्केट। ये काम भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, एसबीआई की हालत ख़राब हो गई, एसबीआई को पैसा चाहिए, पैसा है नहीं किसी के पास, तो उनको लैंड कौन करेगा भाई, उसको 10 दिन के लिए पैसा चाहिए, 10 दिन के लिए पैसा कौन देगा, मनी लेंडर तो है नहीं, सेंट्रल बैंक ही देता है। तो उसमें भी क्या आएगा, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैंकर टू द बैंकर, बैंकर टू बैंकर। ये सारे फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं एज अ रेगुलेटर, मेन मेन फंक्शन एज अ फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, एज अ रेगुलेटर ऑफ द मनी सप्लाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है? ठीक है, अब एक बार फटाफट देख लेते हैं, मैंने आपके लिए दे दिया है यहाँ पे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक पे। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक, ठीक है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड एडवांसेज लोन्स टू दैम। अभी मैंने बताया था एसबीआई वाला एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी, बताया था दादाजी वाला एग्जाम्पल इन्फ्लेशन वाला, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, ये बता दिया था कि जब फॉरेन कंट्री से हमें देखना पड़ेगा ट्रेड वगैरह से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे रखेंगे, कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। नॉट इश्यूइंग अथॉरिटी, भाई नोट प्रिंट करके कौन दे रहा है, आरबीआई तो करके दे रहा है ना, 2000 के नोट्स अभी बंद हो जाएंगे या पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ तो नए नोट किसने दिए थे, आरबीआई ने। सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ये पार्ट ऑफ मनी सप्लाई है कि जब क्रेडिट क्रंच है तो मनी सप्लाई करेगा, तो मनी सप्लाई होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगी, तो इस तरीके से भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देगा, इट्स नॉट अ नॉट इश्यूइंग अथॉरिटी बट अ क्रेडिट क्रिएटिंग अथॉरिटी, ठीक है। कमर्शियल बैंक इज नॉट अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, ये तो वो बात ही है, जो है उसका ऑपोजिट क्या होगा, कमर्शियल बैंक पे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे, मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ब्रॉडली दो पॉलिसीज हैं, ठीक है, मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एक तो है कि भाई इंक्रीज ही हो जाए, मतलब और प्रिंट हो गई और क्रिएट हो गई, ठीक है, ये हो गई क्रिएशन वाली, ठीक है। एक है कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना उसको इधर उधर कर दो तुम, ठीक है। जैसे मान लो हरियाणा में ज़्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट हरियाणा से सक करके तमिलनाडु में दे दे, इन अ क्रूड वे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। तो ये क्या है, डाइवर्जन या फिर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इज द बेटर वर्ड, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो क्रिएशन वाला ये आरबीआई का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। और ये हम किसके थ्रू करते हैं, टैक्सेशन, भाई टोबैको को डिस्करेज करना, टैक्सेशन लगाएंगे, ये हो गया टैक्सेशन। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें भूल जाओ, ठीक है, और ब्रॉडली बस इतना अंडरस्टैंड करो कि दो चीजें हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक है आपका फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई ऑफ मनी, फिस्कल पॉलिसी टैक्सेशन मैटर्स में डील करती है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी हमारा फोकस है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, क्लियर है। अब बात आती है कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कौन करेगा, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि यार एक आदमी का काम नहीं, एक कमेटी बना दो 5 मेंबर्स की, ठीक है, कमेटी बना दो, वो क्या करेगी, क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे डिसाइड करेगी कि भाई मनी सप्लाई बढ़ाना है कि घटाना है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बना दी एक MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 6 मेंबर कमेटी होती है, उसमें आप देख लेना कि मेंबर्स कौन कौन होते हैं, जब हम एडवांस में जाएंगे देन वी विल लुक एंड इन करंट अफेयर्स किसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, क्लियर है। अब आ जाओ कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ मनी को आप दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका है क्वांटिटेटिव, ठीक है, और दूसरा तरीका है क्वालिटेटिव। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग दोनों की इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वांटिटेटिव को फर्दर इन्होंने क्या किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक होता है थ्रू रेट्स, मैं समझाऊंगा
कि रेट्स के थ्रू कैसे होता है, ठीक है, थ्रू रेशोस। और तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और इसके भी अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएशन, सुएशन, ठीक है। और तीसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन सब को समझने से पहले एक कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं, वो है कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। आप सबको पता है कोलेट्रल क्या होती है, ठीक है। सपोज करो एक केस हम कंसिडर करते हैं कि दादाजी ग्रैंडफादर वेंट टू द बैंक, ठीक है, और बैंक को बोला कि गिव मी सम मनी। बैंक क्या बोलेगा, सोना लेके आओ, कोलेट्रल, गिव मी सम कोलेट्रल, उसके अगेंस्ट ही तो मैं लोन दूंगा। सेम चीज क्या करती है, सेम चीज गवर्नमेंट करती है, सेम थिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि नाउ गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, वो एक पीस ऑफ पेपर निकालती है, ठीक है, जिस पे लिखती है आई एम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आई एम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हूएवर विल बाय दिस पेपर इन रुपीज 100, हूएवर विल बाय दिस पेपर इन रुपीज 100, ठीक है, आई विल गिव हिम और हर 500 आफ्टर 5 years, 500 आफ्टर 5 years। नाउ ये एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, दिस इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओके। अब एक बात बताओ, अब आप सोचो कि एक दिन निर्मला सीतारमन मैडम जो है ये पेपर लेके घूम रही है पूरे दिल्ली में कि भैया ऐसे ऐसे है, मेरे से खरीद लो, ये मेरे को 500 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, इज इट फिजिबल, नॉट फिजिबल। तो गवर्नमेंट का मनी लेंडर कौन है, आरबीआई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई के पास जाती है, इट विल गो टू आरबीआई एंड विल से लुक वी आर कमांडिंग, ओके, वी आर कमांडिंग ऑन यू, तो आप क्या करेंगे कि हमसे ये ले लो और हमें 100 रुपये दे दो, क्लियर है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आरबीआई के पास ये बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएंगी, ओके। दिस आई एम टेलिंग यू इन अ स्टोरी फॉर्म टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा इन सिक्योरिटीज का, ठीक है, कहीं तो यूज करेगा। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई इनको लेके आता है मार्केट में, मार्केट में आरबीआई इन सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करता है, ओके। यहां से क्या आएगा भाई, मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं तो यहां से क्या आएगा, मनी, ठीक है। अगर मैं सेल कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग द मनी, सो आई एम सकिंग द मनी आउट ऑफ द मार्केट, क्लियर। ये वो फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में आरबीआई बोलेगा ये मार्केट है, आरबीआई बोलेगा कि गिव मी बैक द सिक्योरिटीज, आई विल गिव यू द मनी। सो व्हेन द आरबीआई इज परचेजिंग द सिक्योरिटी, इट इज पंपिंग द मनी इन द इकोनॉमी, सो द सप्लाई विल इंक्रीज, क्लियर। नाउ दिस कैन बी डन इन अ टू वे, ईदर आरबीआई कैन गिव अ प्रोमिस कि आई विल बाय दिस आफ्टर 14 days, ओके, और इट विल से कि आई एम नॉट गिविंग द प्रोमिस, आई विल सी इफ आई हैव टू बाय, ओके, और आई विल नॉट बाय, सो नो प्रोमिस, ओके। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन विद द प्रोमिस, प्रोमिस टू बाय और सेल इन अ फिक्स डेज, और दूसरा होता है नो प्रोमिस। सो वेन द आर बी आई इज डूइंग द प्रोमिस इट इज नोन एज रेपो, वेन इट इज नॉट डूइंग देन इट्स नोन एज आउट राइट ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्लियर है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को, ओपन मार्केट ऑपरेशन आर नथिंग बट सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेलिंग और बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन मार्केट। नाउ इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, विद प्रॉमिस एंड विदाउट प्रॉमिस। ओके, व्हेन इट इज विदाउट प्रॉमिस इट इज नोन एज आउटराइट आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। विद प्रॉमिस में क्या हो सकता है, इधर ही मे गिव अ प्रॉमिस टू बाय और टू सेल। तो इसको फर्दर आई कैन क्लासिफाई एज रेपो रेट, ओके, और रिवर्स रेपो रेट। क्लियर, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं अपने ओरिजिनल कंसेप्ट पे। ओरिजिनल में हमने क्या देखा था कि यहां पे तीन है, तीन इंस्ट्रूमेंट है, थ्री पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। एक होता है बैंक रेट, एक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, आरबीआई है, एसबीआई को लोन चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो एसबीआई को लोन चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो किसके पास जाएगा, आरबीआई। तो जिस टर्म पे, जिस रेट पे, ठीक है, आरबीआई लेंडिंग टू द एसबीआई और द कमर्शियल बैंक फॉर दैट पर्पज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अब एक बात बताओ मेरे को, और एसबीआई फर्दर किसको लेंड कर रहा है, कंज्यूमर को। कंज्यूमर क्या है, इकोनॉमी। अगर आरबीआई सपोज करो 6% है यहां पे, तो एसबीआई क्या कर रहा होगा, एसबीआई 7% पे दे रहा होगा। क्लियर है, अगर आरबीआई इसको 6% की जगह 8% कर दे, एसबीआई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, या अगर 8% पे है तो यहां पे कितने पे देगा, 10% पे। तो कंज्यूमर यहां पे क्या हो गया, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई ना, ये खरीदेगा ही नहीं, इससे लोन लेगा ही नहीं। तो बेसिकली जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई रिड्यूस करनी होती है तो बैंक रेट इंक्रीज कर देता है। क्लियर है, सो राइज इन बैंक रेट, राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया ना, बैंक रेट बढ़ाया 8 से, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चला गया, 10% से। राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जाहिर सी बात है ब्याज ज्यादा लगेगा तो नहीं खरीदेंगे। फॉल इन डिमांड ऑफ क्रेडिट, मेरे को नहीं चाहिए लोन क्योंकि महंगा है। फॉल इन द सप्लाई ऑफ द मनी, जब लोन ही नहीं लूंगा तो सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि लोन से क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन, पहले बताया था ना क्रिएशन कैसे होता है। एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, दादाजी के पास 10 रुपए रहेंगे, 1000 नहीं आएंगे। क्लियर है, सेम इसका रिवर्स क्या होगा, फॉल इन बैंक रेट। क्लियर है, उसके बाद में कंसेप्ट आता है रेपो रेट का, ये मैंने आपको बता दिया है, आउटराइट मार्केट ऑपरेशन एंड द रेपो रेट। इट इज अ सेंट्रल बैंक बाइज दीज सिक्योरिटी दस इंजेक्टिंग इन द मनी विदाउट एनी प्रॉमिस टू सेल देम लेटर। क्लियर है, कोई प्रॉमिस इसमें नहीं करते। क्लियर, अब बात करते हैं रेपो रेट की। ठीक है, रेपो रेट में क्या होता है कि सेम चीज है, इट्स सिमिलर टू द बैंक रेट, बस डिफरेंस ये है कि रेपो रेट में क्या करता है, बैंक ना सिक्योरिटीज को प्लेज करता है, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस का पार्ट मैंने बताया था, सिक्योरिटीज को प्लेज करता है इन शॉर्ट टर्म। दो चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है, ऑल्सो नोन एज रीपर्चेज एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, मेनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे डे टू डे चाहिए, दो दिन का चाहिए, तो एसबीआई को एकदम से क्रंच आ गया, एसबीआई लेके जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, भाई भाई एकदम नॉक नॉक, आरबीआई यार मेरे को दे दे यार 1000 करोड़ रुपए, ठीक है ये सिक्योरिटीज ले ले। ठीक है, और इसमें आरबीआई प्रॉमिस करता है कि यार देख 10 दिन बाद जो है मैं तेरे को खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉमिस करेगा, ठीक है, और इसको 1000 करोड़ दे देगा। क्लियर, दिस इज रेपो रेट। रेपो रेट इज सिमिलर टू बैंक रेट, बट डिफरेंस ये है टाइम पीरियड का एंड प्लेजिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है, यहाँ तो बैंक लेंड कर रहा है एसबीआई को, लेकिन कभी कभी क्या होगा, एसबीआई भी तो कम थोड़ी है, एसबीआई को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया और हाईवे के पास जमीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दादाजी से भी एडवाइस लिया कि भाई जमीन खरीद लो, लेकिन जमीन अवेलेबल नहीं, अब पैसा है, पैसा का क्या करेगा, वो करेगा यार अपने पास रखने से क्या फायदा है, एक काम करते हैं आरबीआई को दे देते हैं और आरबीआई बदले में कुछ इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, क्लियर है, तो इट्स द रिवर्स, बेसिकली जो आरबीआई देता है इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर रहा है, जिस इंटरेस्ट रेट देता है बेसिकली डिपॉजिट्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स रेपो रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री, जो इनसे खरीद रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। अब जाहिर सी बात है, जब आरबीआई रेट बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट खरीदने की रेट बढ़ा देगा,
मैं बोलूं कि खड़ा होके कि यार मेरे पास आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज 10% कर दिया, सब लोग भाग के आ जाएंगे, लेकिन मैं सेम चीज़ बोलूँगी यार 4% है तो कोई नहीं आएगा। तो जब रेट बढ़ा दिया है तो कमर्शियल बैंक्स मेरे पास पैसा रखने आएंगे, व्हेन द बैंक्स विल कम टू डिपॉजिट द मनी, सो मनी सप्लाई उनके पास में कम हो गया, सो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, राइज इन द रिवर्स रेपो रेट, मोर फंड्स आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम, लेस फंड्स आर यूज फॉर सीआरआर फंड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज। ये आपको चीज़ें अगर इफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट, सो यू विल नेवर फेल इन दिस कनेक्शन कि मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो कौन सा बढ़ाना है कौन सा घटाना है। क्लियर है? बैंक रेट और रेपो रेट में मैंने डिफरेंस यहाँ पे आपके लिए दे दिया। रिलेट्स द लोन्स ऑफर्ड बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेटरल, यहाँ पे आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कोलेटरल देना ही पड़ेगा, द सिक्योरिटीज आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी ऑफ द लोन्स। बैंक रेट डज नॉट अलाउ एनी फैसिलिटी ऑफ रीपर्चेज ऑफ एग्रीमेंट, कोई प्रॉमिस नहीं होता है यहाँ पे अलाउ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी। बैंक रेट रिलेट्स टू बोरिंग्स बाय द कमर्शियल बैंक टू कोप अप विद देयर इमीडिएट कैश क्रंच, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होते हैं, ठीक है। बैंक रेट इज ऑफन हायर देन द रेपो रेट, रिलेट्स टू इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट। क्लियर है? अब बात करते हैं रेशियोज की। अभी मैंने आपको बताया कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, ठीक है, ये क्यों हो रखता है, ठीक है। तो एसबीआई है, ठीक है, चलो यार इस बार एसबीआई नहीं लेते हैं, एसबीआई बोर हो गए, इनका लंच टाइम हो गया, ठीक है, एचडीएफसी ले लो, एचडीएफसी में लंच नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं 1000 रुपये, उसका 10% मैंने सीआरआर रख दिया, ये 100 रुपये मैंने रखवा दिए, क्यों रखवाए, इनकेस अगर एचडीएफसी फेल हो गया तो कम से कम इस बंदे के 100 रुपये तो रिटर्न कर देगा, क्लियर है। तो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए मैंने एक सीआरआर रखवा दिया, ओके। दूसरा क्या हो इसका फायदा है, एडवांटेज है सीआरआर का कि इसका क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, अगर मेरे को मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है तो मैं इसको बढ़ा दूंगा, क्लियर है, ठीक है। सिमिलर वे में एक और रेशियो होता है एसएलआर, ठीक है, ये होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके, इनको एलआरआर भी बोलते हैं, सीआरआर प्लस एसएलआर को एलआरआर भी बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस क्या है, अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि आरबीआई का गेम देखो कि आरबीआई क्या क्या करवा सकता है। मेरे पास ये एचडीएफसी है, ओके, इसके पास 1000 रुपये आए, तो आरबीआई फर्स्ट केस में क्या बोल सकता है, यार इसका 10% मेरे पास दोगे इन कैश, एट द रेट ऑफ 10% इन कैश विद आरबीआई, ठीक है। अब आरबीआई जो है हरामखोर है, आरबीआई के इतने से दिल नहीं बढ़ता, और बोल दिया कि 10% जितना ये है डिपॉजिट इसका 10% इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, गोल्ड, कैश, डायमंड, तुम अपने पास रखोगे, ठीक है, विद बैंक। अब अल्टीमेटली या तो मैं आरबीआई के पास रखूँ या बैंक के पास, मेरी तो लिमिट 10% 20% चली गई ना, समझ रहे हो। तो दिस इज नोन एज सीआरआर, सीआरआर इज द कैश रिजर्व रेशियो विच ईच एंड एवरी कमर्शियल बैंक इज सपोज टू कीप विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज माई कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वेयर अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स इज सपोज टू बी कैप्ड इन लिक्विड एसेट्स विद द बैंक इटसेल्फ, दैट इज एसएलआर, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन केस अगर मैं सीआरआर बढ़ा दूं तो मेरे को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई, तो मेरे पास कम रहेगा, तो मनी सप्लाई क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज गोज विद दी एसएलआर, बढ़ा दो आप, मनी सप्लाई जो है रिड्यूस। क्लियर है? इसमें कोई डाउट, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो इज डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड एज अ रिजर्व, ठीक है, ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे दे दिया, ओके। एसएलआर की डेफिनेशन दी हुई है, आप पढ़ लेना। राइज इन एस एल आर मैंने बताया, राइज इन लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाई कमर्शियल बैंक विद देमसेल्व्स, ठीक है, फॉल इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, फॉल इन दी मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल।
कंट्रोल, ठीक है। इन्फ्लेशन को हम सेपरेटली जब चैप्टर से डील करेंगे तो वहां पे भी इनकी रेफरेंसेस लेंगे कि मनी सप्लाई इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंसेस दे दिए हैं, ठीक है। डिफरेंसेस में क्या क्या है देख लेते हैं एक बार फटाफट। सीआर इज द परसेंटेज ऑफ मनी विच द बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश रखेगा। इट कंट्रोल्स एक्सेस मनी, ठीक है। मेंटेन विद द आरबीआई, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी रेगुलेट करेगा, ठीक है। बैंक डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट, और वो आरबीआई जो है ना रखता है और उसको पैसा भी नहीं देता, क्लियर है, ठीक है। सेम चीज आप एसएलआर के लिए देख सकते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में तीन चीजें मैंने आपको बताई, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग एंड मॉरल सिचुएशन। ये मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। मॉरल सिचुएशन में कुछ नहीं होता, आरबीआई डांट मारता है कि यार ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें इतना क्रेडिट देना ही नहीं था, तुमने सिक्योरिटी चेक करी, तो बेसिकली उनको नज करता है, ठीक है, फॉर गोइंग फॉर दी प्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है। दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आप कोलेटरल लेते हो, ठीक है, उसका आप 10% कम लोन दोगे। जैसे आपकी प्रॉपर्टी जो है 100 करोड़ की है तो आपको 90 करोड़ ही लोन मिलेगा। अगर मैं इस मार्जिन को बढ़ा दूँ, सपोज करो 80 करोड़ कर दूँ, तो मेरा क्रेडिट ग्रोथ कम हो गया ना, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से जो है मनी सप्लाई रेगुलेट करता है। थर्ड इज क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है कि अब क्या होगा ना, सारे बैंक्स, दादाजी अमीर हैं, दादाजी अंबानी हैं, फॉर एग्जांपल अंबानी हैं, अब ये क्या करेंगे, एचडीएफसी के पास भी चले गए, एसबीआई के पास भी चले गए, आईसीआईसीआई के पास भी चले गए, और सारा पैसा का सारा पैसा कहाँ आ गया, अंबानी के पास आ गया। इससे तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो आरबीआई ने कहा रुको भाई, रुको बेटा, अभी हम जिंदा हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको अपने डिपॉजिट का 20% 30% एग्रीकल्चर को देना है, 20% इंडस्ट्रीज को देना है, सपोज करो ऐसे लिमिट लगा दें, सो दैट इज नोन एज क्रेडिट रेशन, वेर यू आर चैनलाइजिंग द क्रेडिट इन द फिक्स डायरेक्शन इन द फिक्स कोटा, ठीक है, दैट इज क्रेडिट रेशन। तो ये आज के चैप्टर में था, हमने मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का देखा था, दो इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में तीन पार्ट्स थे, रेट्स थे, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेशोज थे, सीआरआर एसएलआर, और हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखा था। क्वालिटेटिव में मॉरल सिचुएशन, क्रेडिट रेशनिंग एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये चीज़ देखी थी। क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में देखा था, एंड नेक्स्ट जब आगे क्लासेज होंगी प्रीवियस एमसीक्यूज, तो हम उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें भी ये चीज़ें वापस से एक बार रिवाइज करेंगे, और एडवांस टर्म जो है 300 ये ख़त्म होने के बाद करेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।